देखिए अनुज जी, पहले तो सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि विकास प्राधिकरण का बयान कुछ आ रहा है और आपने कुछ बताया है, तो किसी सूत्र ने जिसने आपको जानकारी दी होगी उस आधार पे आपने सवाल किया है। कहा ये जा रहा है कि उन्होंने जो मानचित्र स्वीकृत कराया था उसके विपरीत निर्माण कराया जी। तो यहाँ पर अवैध जमीन का मामला कहाँ पर आ गया? और पेट्रोल पंप जब किसी को आवंटित होता है, जब पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पेट्रोल पंप के लिए एग्रीमेंट साइन करता है तो वो लैंड के सारे कागजों को देखता है, उसका वो FI कराने का काम करता है। जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाता है उस समय तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, पहली बात। ये हो सकता है, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल मानक जो मानचित्र पास कराया उसके अनुकूल ही था, हो सकता है कि वो विपरीत बन गया हो। तो विकास प्राधिकरण या सरकार की एक व्यवस्था है कि अगर इस तरीके से हुआ है तो पहले उसको नोटिस की जाएगी। हाँ। नोटिस देने के बाद संतुष्ट अगर होता है प्राधिकरण या स्थानीय जो भी निकाय है जिसके अधीन है नक्शा पास करना, तो वो उसको केस को भी कंपाउंड करता है और हिदायत देता है कि इसको अपने पूर्ववर्ती नक्शे के अनुरूप बना लिया जाए। ठीक है, इसको इस तरीके से बरेली से अजय कश्यप है ना हमारे सहयोगी, वो बताएंगे असलियत क्या है। अजय कश्यप, खबर क्या निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर जो सपा